हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारी ऑडिटिंग की सीरीज़ चल रही है। जो भी लोग इस सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो लोग कमेंट में जाकर अपनी अटेंडेंस को मार्क करें, जिससे मुझे ये पता चल सके कि कितने लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे ही वीडियोज़ चाहते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टूडेज वीडियो, दैट इज़ इंटरनल कंट्रोल। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, डिविजन्स एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, इंटरनल और कंट्रोल। इंटरनल का मतलब क्या होता है? वी आर समथिंग टॉकिंग अबाउट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है, इंटरनल है। और कंट्रोल की बात अगर करें तो आप लोगों ने मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो मैनेजमेंट का फंक्शन में आता है कंट्रोलिंग फंक्शन। वो क्या था? यानी कि जो करेंट परफॉर्मेंस आपका है और जो डिजायर्ड गोल है उनके बीच के गैप को मेजर करना। यानी सपोज कीजिए आपका डिजायर्ड गोल है 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना और अभी आप जो करंट परफॉर्मेंस दे रहे हो वो क्या है, अभी तक आपने 70 यूनिट्स को बना लिया है, मैन्युफैक्चर कर लिया है, तो ये जो गैप है 30 यूनिट्स का, उसको किस तरीके से हम मैनेज करें कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर्ड गोल है वो इफेक्टिवली और इफिशियंटली कंप्लीट हो जाए, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को करते हुए टाइम पे कंप्लीट हो जाए। यही होता है ना कंट्रोल, यानी कि अगर आप डिजायर्ड गोल को अचीव करने में कहीं भी डेविएट करते हो तो उस चीज़ को ट्रैक पे लाना, उस चीज़ को कंट्रोल करना, ताकि आप इफेक्टिवली और इफिशियंटली अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लो। तो बस यही होता है हमारा कंट्रोल फंक्शन। तो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से कंट्रोल करना कि उसके पास वो प्रिवेंट कर पाए एरर्स एंड फ्रॉड को, यानी कि एरर एंड फ्रॉड के होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएं, उनको वो प्रिवेंट कर ले। साथ ही उसका जो बिजनेस है, जो ऑपरेशन हो रहा है उसके ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्मूथली परफॉर्म हो। और तीसरा, जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। इस तरीके से हम इंटरनल कंट्रोल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। और ये इंटरनल कंट्रोल, जैसे कि हम प्रिवेंशन कर रहे हैं एरर एंड फ्रॉड का, बिजनेस को स्मूथली रन करने की कोशिश करवा रहे हैं, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये हम कैसे करेंगे? ये हम कर सकते हैं कुछ पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को डेवलप करके। अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे पॉलिसीज और स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे जिससे कि हमारा बिजनेस स्मूथली रन हो, एरर एंड फ्रॉड होने के चांसेस कम हो और रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आई होप क्लियर होगा। अब देखिए, यहाँ पे आप बोलोगे मैम तो हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पे ऑडिट पढ़ रहे हैं। तो ऑडिट में यहाँ पे क्या है कि देखिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है ना। और ये इंटरनल कंट्रोल सिर्फ ट्रांजेक्शन्स या सिर्फ फिनेंशियल टर्म्स के लिए नहीं होता है, ये फिनेंशियल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होता है यहाँ पे, है ना। यानी कि सिर्फ आप फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन में, हम सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ होल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, यानी कि अकाउंटिंग कंट्रोल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की भी बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसको डिटेल में देख लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल हैज बीन डिफाइंड एज बीइंग नो ओनली इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट बट द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल फिनेंशियल एंड अदरवाइज एस्टैब्लिश बाय द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी इन एन ऑर्डरली मैनर, सेफ गार्ड इट्स एसेट्स एंड सिक्योर एज फार एज पॉसिबल द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इट्स रिकॉर्ड। यानी कि देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। तो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट इसी इंटरनल कंट्रोल के अंदर आता है ना। इंटरनल कंट्रोल करने के लिए जब बारी आती है अकाउंटिंग कंट्रोल करने की, यानी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करने की, तो ऑर्गेनाइजेशन दो चीज़ें अपनाता है, वो होता है इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट।
तो यहाँ पे सिर्फ हम क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट से बात नहीं बनती है, यहाँ पे हम होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, यानी कि फिनेंशियल के साथ साथ पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की हम बात करते हैं, जो कि एक मैनेजमेंट स्टैब्लिश करता है किस लिए, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी इन एन ऑर्डरली मैनर, यानी कि जो मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो एक ऑर्डरली वे में, यानी कि एक सीक्वेंस वे में परफॉर्म हो, सही मायने में परफॉर्म हो, इस मैनर में परफॉर्म हो कि उसके एसेट्स सही से यूटिलाइज हो और बिल्कुल सिक्योर वे में और एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के साथ उनके फिनेंशियल रिकॉर्ड को तैयार किया जाए, है ना, यानी कि जो भी रिकॉर्ड बनाए जाए वो एक्यूरेट हो, रिलायबल हो और जितने भी एसेट्स हों वो बिल्कुल सेफली परफॉर्म किए जाए, सेफली यूज किए जाए, यानी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इसलिए हम इंटरनल कंट्रोल करते हैं। देयरफॉर इंटरनल कंट्रोल इज अ ब्रॉड टर्म विथ अ वाइड कवरेज, इट्स स्कोप एक्सटेंड बियॉन्ड दोज मैटर्स विच रिलेट डायरेक्टली टू द फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल रिकॉर्ड्स इन इन इट्स मॉडर्न सेंस ऑडिट इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ कंट्रोल। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल की तो इसका स्कोप काफी वाइड होता है। हम जब इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं, ओनली इंटरनल कंट्रोल, तो इंटरनल कंट्रोल में सिर्फ आप फिनेंशियल कंट्रोल नहीं करते, सिर्फ फिनेंशियल रिकॉर्ड पे कंट्रोल नहीं करते, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब सिर्फ फिनेंशियल कंट्रोल के रिकॉर्ड की बात होगी तो आप इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट पे रिलाई करेंगे। अब देखिए, दो तरीके से बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिलता है, एक होता है अकाउंटिंग कंट्रोल और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। देखिए, अकाउंटिंग कंट्रोल क्या है, दिस कंप्राइज प्राइमरली द plan of organization and the procedures and records that are concerned with and directly relate to the safeguarding of assets and reliability of financial records. These includes budgetary control, standard costing, control account, bank reconciliation, self-balancing ledgers and internal auditing etc. यानी कि जो भी control process आप बुक्स ऑफ अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए, उनके एक्यूरेसी के लिए करते हैं, दो हजार अकाउंटिंग कंट्रोल, यानी कि ऐसा प्लान जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ऐसी स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो कि किससे डायरेक्टली रिलेटेड हो, एसेट और फिनेंशियल रिकॉर्ड से रिलेटेड हो, यानी उनके एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड हो और फिनेंशियल रिकॉर्ड से रिलेटेड हो, उनकी रिलायबिलिटी से रिलेटेड हो, यानी कि जो फिनेंशियल रिकॉर्ड हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दें, बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो इस तरीके के कंट्रोल में कौन कौन से प्रोसेस देखने को मिलते हैं, वो होता है बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बैंक रिकॉन्सिलेशन, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, ये सारा आपका अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर आता है। फिर बारी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है, दीज कंप्राइज द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर कंसर्न मेनली विथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा प्लान होता है जो कि जिसका मेन फोकस कहाँ होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के तरफ। ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी जो बिजनेस डे टू डे ऑपरेशन निभा रहा है वो बिल्कुल एफिशिएंट हो। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एफिशिएंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग का काम बिल्कुल इफेक्टिव एफिशिएंट होना चाहिए। दे मे इंक्लूड कंट्रोल सच एज टाइम एंड मोशन स्टडी। आप इस कंट्रोल को निभाने के लिए आप कौन कौन से स्ट्रैटेजीज निभा सकते हैं, जैसे टाइम स्टडी कर सकते हैं, मोशन स्टडी कर सकते हैं, फटीग स्टडी कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस का रिपोर्ट बना सकते हैं, बहुत सारे एनालिसिस आप कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑडिटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बेसिकली ज्यादा केयरफुल रिव्यू करता है अकाउंटिंग कंट्रोल के तरफ, इसलिए क्योंकि उसको बेसिकली मेन मतलब होता है एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट उसके सामने प्रेजेंट किए गए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, वो एडिक्वेट है या नहीं, ये देखना उसका मेन मकसद होता है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से कोई खासा लेना देना नहीं होता है, बेसिकली उसका मतलब फिनेंशियल रिकॉर्ड से ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैं जहाँ पे
जिनका रिलेशन इनडायरेक्टली फिनेंशियल स्टेटमेंट के रिलायबिलिटी से होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरीज हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, तो उनका डेप्रिसिएशन रेट क्या है, उनकी जो वैल्यू है वो सही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है या नहीं, या फिर उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास है कि नहीं, उनकी ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी कूदना पड़ जाता है ओनली बिकॉज कि उनका कहीं ना कहीं रिलेशन फिनेंशियल स्टेटमेंट से होता है। अदरवाइज उनको सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल रिकॉर्ड के एक्यूरेसी और एडिक्वेसी से ही मतलब होता है, इससे ज्यादा उनको किसी कंट्रोल से कोई मतलब नहीं होता है ऑडिटर को। अब अगर बात की जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, तो देखिए क्या है, देयर शुड बी अ वेल डेवलप्ड प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ डेलीगेशन ऑफ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वेरियस लेवल ऑफ ऑपरेशनल हायरार्की। यानी कि एक गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तभी होगा जब ऑर्गेनाइजेशन का इसके रिगार्डिंग कुछ अच्छा सा प्लान होगा और उस प्लान को वो डेलीगेट करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बांटेंगे वेरियस लेवल ऑफ ऑपरेशनल हायरार्की में, यानी अलग अलग हायरार्की के लोग को वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे और एक अच्छा प्लान बनाएंगे, तो ही एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में रन कर सकता है। नेक्स्ट वन, दिस शुड बी अ साइंटिफिकली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड प्रोसीजर्स विथ अ व्यू टू मेंटेन रीजनेबल कंट्रोल ओवर एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है जहां पे आप मेंटेन क्या करते हैं, रीजनेबल कंट्रोल को मेंटेन करते हैं एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे, रिवेन्यूज पे, एक्सपेंसेस पे, हर चीज पे, एक एक चीज पे आप अपने कंट्रोल को कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से कॉस्ट कट कर दो, आप रीजनेबल काम करो जो हो सकता है, जो आपके क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आप जो चीजें कर सकते हैं आप उनको करो, दैट इज इन साइंटिफिक वे। नेक्स्ट वन, अ सिस्टम ऑफ हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस इज आल्सो नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक हेल्दी प्रैक्टिस, एक बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशन के साथ एक कल्चर को मेंटेन करते हुए आपको ऐसे ड्यूटीज को परफॉर्म करना है हर डिपार्टमेंट में जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्दी सिस्टम डेवलप हो सके। अ पर्सोनल एंगेज्ड इन द बिजनेस शुड बी हाई क्वालिटी एंड कैरेक्टर विथ अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अ प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग एंड एबिलिटी। दिस इज नेसेसरी बिकॉज कंट्रोल आर एक्सरसाइज बाई पर्सोनल एंगेज्ड इन द बिजनेस। अब ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यहाँ पे वर्क कर नहीं रहा है कि इंटरनल कंट्रोल को ऑर्गेनाइजेशन में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर लेगा, है ना, तो यहाँ पे कौन करते हैं, जो लोग वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं वही लोग इसको कंट्रोल करते हैं। तो आप ऑर्गेनाइजेशन का ये काम बनता है कि जो पर्सोनल वो सिलेक्ट कर रहा है, जो रिक्रूट कर रहा है और जिन कामों में वो एंगेज कर रहा है वो काफ़ी हाई क्वालिटी के होने चाहिए, यानी कि उनकी क्वालिटी हाई होना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, है ना। उसके बाद उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की क्षमता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये सभी चीज़ें, उनकी क्वालिटी डेवलप कैसे होगी, उनका परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होगा, जब उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, और डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छा दिया जाएगा ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सोनल काम कर रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकें, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड की गई है। उसके बाद नेक्स्ट वन, देयर शुड बी मैनेजेरियल सुपरविजन एंड रिविजन ऑफ द कंपनीज फिनेंशियल ऑपरेशन एंड पोजिशन एट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल बाई मीन्स ऑफ इंटरिम अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स एंड ऑपरेटिंग समरीज, है ना। जितने भी मैनेजेरियल काम हो रही हैं उनका सुपरविजन जरूरी है, उनका रिव्यू जरूरी है टाइम टू टाइम, यानी कि बीच में जैसे आप मतलब अगर आप इंटरिम अकाउंट बना रहे हो तो इंटरिम अकाउंट के दौरान क्या होता है, बीच सेशन में ही किसी अकाउंट को प्रिपेयर करना, एंड भी नहीं हुआ, तो इस वजह से क्या होता है, इंटरिम अकाउंट बनाने की वजह से क्या होता है कि आपका बीच सेशन में ही सारे मैनेजेरियल का सुपरविजन हो जाता है और रिव्यू हो जाता है और पूरा का पूरा आपके ऑपरेशन का एक समरी तैयार हो जाता है कि अभी तक आपके फिनेंशियल कंडीशन का क्या पोजिशन है।
नेक्स्ट वन दैट इज डिविजन्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. कौन कौन से डिविजन्स होते हैं, है ना. अब ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड इन्वायरमेंट, और आप किस तरीके का काम कर रहे हो, कैसा आपका बिजनेस का नेचर है, किस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, उस हिसाब से हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिवीजन करते हैं, बांटते हैं. नंबर फर्स्ट जनरल फिनेंशियल कंट्रोल. दिस कंट्रोल इंक्लूड्स अ प्रॉपर इफिशियंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एडिक्वेट सुपरविजन, रिकॉर्डिंग एंड ड्यूप्लीकेटिंग सिस्टम्स, गुड इफिशियंट स्टाफ एंड द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप्स अमॉन्ग्स द स्टाफ. जनरल फिनेंशियल कंट्रोल बेसिकली यहाँ पे फिनेंस रिलेटेड है. अब जनरल सिर्फ फिनेंशियल कंट्रोल की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि एक ऐसा इफिशियंट सिस्टम जहाँ पे अकाउंटेंसी को अच्छे से डील किया जाए, एडिक्वेट सुपरविजन हो किसके रिगार्डिंग, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, कोई जो भी सिस्टम परफॉर्म किया जा रहा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो, जितने भी स्टाफ हैं वो इफिशियंट होने चाहिए और सारे स्टाफ के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए. यानी कि बेसिकली जनरल फिनेंशियल कंट्रोल में यहाँ पे सिर्फ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के ही कंट्रोल की बात की जा रही है. नेक्स्ट वन दैट इज कैश कंट्रोल. द सिस्टम इंक्लूड्स सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल फॉर रिसिप्ट पेमेंट एंड बैलेंस हेल्ड. अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक मस्ट ऑपरेट एट ऑल स्टेजेस. देयर मे बी स्पेशली डिप्यूटेड ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द इंटरनल ऑडिट स्टाफ टू एक्सरसाइज चेक्स एट रेगुलर एंड इरेगुलर इंटरवल. एफर्ट शुड बी मेड टू अवॉइड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश. देखिए बेसिकली जो मिस अप्रोप्रिएशन होता है ना वो ज़्यादातर कैश के ही मामलों में देखा जाता है. जो भी फ्रॉड ज़्यादातर देखा जाता है वो कैश का ही फ्रॉड देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत इजी टू डू होता है. तो कैश का कंट्रोल अलग से करते हैं. कैश का कंट्रोल क्यों करते हैं, ताकि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ज़्यादा ना हो पाए. किन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, पेमेंट रिसिप्ट को कंट्रोल करते हैं, है ना, बैलेंस को कंट्रोल करते हैं. जो कैश बैलेंस देखा जा रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, और एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक ऑपरेट करना चाहिए सारे स्टेजेस में, है ना. और इंटरनल ऑडिट स्टाफ भी इसमें इंक्लूडेड हो इस काम को करने में, चेक करने में रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल पे, कि कैश जो है वो सही से कंट्रोल किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, इसमें कहीं कोई एरर एंड फ्रॉड तो देखने को नहीं मिल रहा, कोई डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो ये सब कुछ चेक करना होता है. नेक्स्ट है एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन. द सिस्टम मस्ट कवर ऑल सेक्शन ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर रेम्यूनरेशन. देयर प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ पेमेंट शुड बी ब्राउट अंडर टाइट कंट्रोल. सो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इशूड टू द स्टाफ कंसर्न. यानी कि एम्प्लॉय के रेम्यूनरेशन पे काफ़ी टाइट नज़र होता है, यानी कि जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर रेम्यूनरेशन है वो सही से होना चाहिए, जो मेथड आप पेमेंट का यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और मेथड जो आप पेमेंट का कर रहे हो उस पर टाइट कंट्रोल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि 30 दिन के वेजेस आप पे कर दे रहे हो जबकि उसमें 5 दिन जो वर्कर था वो एब्सेंट था, तो आपको एब्सेंटीज डेज को भी देखना है कितना काम किया गया और किस बेसिस पे आप पे कर रहे हो, टाइम रेट पे पे कर रहे हो, वेज रेट पे पे कर रहे हो, किस तरीके से पे कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको टाइट कंट्रोल एम्प्लॉय के रेम्यूनरेशन पे रखना है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फालतू खर्च कर दे रहे हो, एब्सेंट एम्प्लॉय को भी पे कर दे रहे हो, बहुत दिन से लीव पे है उसको भी आप पे कर दे रहे हो, है ना. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है. नेक्स्ट वन ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स. दीज रेफर टू द परचेज सेल्स. सो इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स इफेक्टिव प्रोसीजर शुड ले डाउन फॉर एक्विजिशंस हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ गुड्स परचेज और सोल्ड. यानी ट्रेडिंग जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग का मतलब ये सेल एंड परचेज, तो जो भी सेल एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन पे काफ़ी फोकस करना होता है, है ना. देखना होता है कि आप गुड्स जो परचेज किए जा रहे हैं, जो सेल किए जा रहे हैं, उनकी सही अकाउंटिंग हैंडलिंग हो रही है या नहीं. नेक्स्ट वन दैट इज फिक्स्ड एसेट्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स शुड बी किप्ड अंडर स्ट्रिक्ट चेक एंड सुपरविजन. The authority right from sanctioning of capital structure to its use should be clearly defined so that they any type of misappropriation by officials of the organization can be reduced to the minimum. अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब
एक मैं वीडियो लाऊंगी जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस होगा। तो फिलहाल इतना जान लीजिए कि फिक्स एसेट्स जो खरीदा जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे कि कुछ प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है, उसको हम काफी स्ट्रिक्ट सुपरविजन से चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? ताकि इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के चीजों को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया, या फिर वाइस वर्सा आपने रेवेन्यू को कैपिटल में डाल दिया है। तो ये काफी चेक करने की बात है कि आपने सही पोस्टिंग की है कि नहीं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सैंक्शन हुआ है किसी पर्टिकुलर एसेट को खरीद के लिए, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। उसमें से कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं, उनका रोल काफी अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए कि उन्होंने ये सैंक्शन क्यों किया, है ना, इसकी जरूरत थी भी या नहीं, है ना, ये सारा चीज क्लियरली होना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई एरर है उसको मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट वन, दैट इज स्टॉक मेंटेनेंस। स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड अकाउंटेंट फॉर। यानी कि जो भी स्टॉक आपके पास है, स्टॉक का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो भी आपके पास स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, WIP के फॉर्म में हो, फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो, उसकी अकाउंटिंग और सही रख रखाव वो बहुत जरूरी है। यानी इन्वेंट्री कंट्रोल आपका बहुत जरूरी है। रेगुलर स्टॉक टेकिंग प्रोसीजर्स आर क्वाइट हेल्पफुल एज मीन्स ऑफ इंडिपेंडेंट चेक एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी कि रेगुलरली स्टॉक को चेक करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे काफी फायदा मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को उनके मेंटेनेंस में, उनके कंट्रोल में। नेक्स्ट वन, दैट इज इन्वेस्टमेंट। द प्रोसीजर ऑफ कंट्रोल इन रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट कवर सच मेजर्स एज ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एंड सेफ गार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट जो भी हम कर रहे हैं उनका भी कंट्रोल बहुत जरूरी है। यानी कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए और उनकी सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज होनी चाहिए, ताकि बाद में इन फ्यूचर हमारे काम आए और वो ऑथेंटिक होने चाहिए। अब इंटरनल कंट्रोल एंड द ऑडिटर, है ना, एंड ऑडिटर इज मेनली कंसर्न्ड विद इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग ऑडिटर का क्या रोल होता है, तो बेसिकली क्या कर सकता है ऑडिटर जो होता है, वो इवैल्यूएट करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो आप यहाँ पे अप्लाई किए हुए हो वो कैसा है, उसको इवैल्यूएट करता है, वो सही चल रहा है, सही रन कर रहा है, सही काम कर रहा है या नहीं, ये चेक करता है। नंबर वन, वेदर मिस्टेक्स एरर्स एंड फ्रॉड आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या आपके इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम जो आप रन करवा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ऑडिटर ये चेक करता है कि क्या इससे मिस्टेक्स एरर्स या फ्रॉड्स जो हैं वो लोकेट हो पा रहे हैं आपके बिजनेस में या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रन भी करा रहे हो लेकिन वो इफिशियंट वे में रन नहीं कर रहा, और फिर भी आपके पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होने के बाद भी आप एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट वन, वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट एग्जिस्ट और नॉट। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के अंदर में इंटरनल ऑडिट भी आता है, तो ये चेक करता है कि इंटरनल ऑडिटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो इफेक्टिवली रन कर रहा है आपके यहाँ या नहीं, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। नेक्स्ट वन, हाउ फार एंड हाउ एडिक्वेटली द मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन एंड सो फार एज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कंसर्न। कितना ज्यादा आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो एडिक्वेटली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ये चेक करना। और दूसरी बात, कितना आपके जो ट्रांजेक्शंस हैं वो करेक्टली रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, यानी मैनेजमेंट अपने ड्यूटी को सही से डिस्चार्ज कर रहा है या नहीं, अपने फंक्शंस को सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, और जो भी ट्रांजेक्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं वो करेक्ट हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट वन, हाउ एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन ही शुड कैरी आउट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, है ना, मैनेजमेंट जो है कितना ज्यादा अकाउंटिंग के डिफरेंट एरियाज में काम बढ़ चढ़ के कर रहा है। हाउ फार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज बियरिंग ऑन हिज
वर्क कितना ज्यादा, पहला तो हमने देखा अकाउंटिंग कंट्रोल के बारे में कि अकाउंटिंग कंट्रोल के एरिया में कैसा काम चल रहा है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो काम कर रहा है उसका वर्क कैसा है, वो कैसा वर्क परफॉर्म कर रहा है, व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोग्राम इन एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस। अब ऑडिटर ये बता सकता है कि अभी एट प्रेजेंट जो सिनेरियो आपके ऑर्गेनाइजेशन का है उसमें कैसा ऑडिट प्रोग्राम एप्रोप्रिएट रहेगा ऑडिटिंग को करने के लिए, टू व्हाट एक्सटेंट रिलायबिलिटी कैन बी प्लेस्ड ऑन द रिपोर्ट रिकॉर्ड्स एंड द सर्टिफिकेट्स ऑफ द मैनेजमेंट। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के द्वारा जो रिपोर्ट्स दिए गए हैं, रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिए गए हैं वो कितने रिलायबल हैं वो ऑडिटर बताता है कि किस हद तक उसकी रिलायबिलिटी आप मान सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मैनेजमेंट के थ्रू दिए गए हैं उनके। Whether some suggestions can be given to improve the existing internal control, है ना, यानी कि अगर और भी कुछ ऐसी चीजें जो लगती हैं ऑडिटर को कि और कुछ सजेशंस दिए जा सकते हैं एग्जिस्टिंग कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो भी वो देता है। देयरफोर वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट इंटरनल कंट्रोल इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड अदर फॉर्म ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यानी कि इंटरनल चेक भी इसी के अंदर आता, इंटरनल कंट्रोल भी इसी के अंदर आता है और इंटरनल ऑडिट भी इंटरनल कंट्रोल के ही अंदर आता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फिनेंशियल एज वेल एज अकाउंटिंग सारे कंट्रोल आते हैं इंटरनल कंट्रोल के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। मैं हर दिन यहाँ कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक के वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।